हूँ त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। लखनऊ में यमुनापुरम कॉलोनी में सब कुछ सामान्य था। सुबह से कॉलोनी में लोग काम करने में लग गए थे, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा मोहल्ले में हंगामा भी उतनी तेजी से बढ़ने लगा। चार तरफ हाहाकार मच गया जब पबजी कांड के नाम पर चली गोली की गूंज ने सबको हिलाकर रख दिया। महज एक 16 वर्षीय बच्चे ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। और जब से ये मामला पुलिस के सामने आया है, तब से लगातार इस कांड में हर दिन कुछ ना कुछ नया और हैरान कर देने वाला थ्योरी सामने आ रहा है। लेकिन अब कांड में सामने आए नए ट्विस्ट ने पुलिस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सवाल या निशान खड़े किए गए हैं पुलिस पर, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। लखनऊ पबजी हत्याकांड में बड़ा खुलासा, मां की थी एक बिल्डर से दोस्ती, बेटे को नहीं रास आई मां की दोस्ती, मां की दोस्ती ने बनाया बेटे को हत्यारा, पिता ने सिखाया पिस्टल चलाना। 4 जून की रात गोलियों की बरसात, किसी ने नहीं सुनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चलाने की आवाज। 3 दिन तक शव के साथ रहना नहीं होता आसान, लेकिन बेटे ने अपनी मां के शव के साथ बिताई 3 रात। शव से बदबू आती रही, लड़का रूम में रूम फ्रेशनर डालता रहा, छिपाता रहा मां की हत्या की कहानी। लखनऊ में पबजी मर्डर केस का सच घर के रिश्तों में ही छुपा है। सच कुछ ऐसा है कि परिवार तो परिवार, खुद पुलिस भी कश्मकश में है कि असली सच को आम करें या पबजी की थ्योरी पर कायम रहे। इस कांड को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। माँ, बेटे और पबजी गेम से शुरू हुई कहानी में एक नए शख्स की एंट्री हुई है। वो शख्स है एक प्रॉपर्टी डीलर। अखबारों और चैनलों की सुर्खियां बन चुका ये पबजी गोली कांड। एक तरफ पुलिस ने इसे थ्योरी के रूप में बताया कि जो हत्या हुई थी उसके बेटे ने की और माँ को पबजी ना खेलने की वजह से गोली मारी। लेकिन अब सबसे बड़ी और सूत्रों के द्वारा एक खबर ये भी आ रही है कि इस गोली कांड के पीछे, मां की मौत की वजह के पीछे एक शख्स है जो बिल्डर है। बिल्डर का लगातार उसके घर पर आना उसके लड़के को नागवारा था। कहीं ना कहीं उसके पिता को ये बात भी अच्छे से पता थी। उसने अपने पिता से डिस्कस की, मौत की वजह बताई और उसने ये भी बताया कि उसने मां को क्यों मारा। एक तरफ लखनऊ पुलिस पबजी की हत्याकांड का पूरा गुत्था सुलझाने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार सूत्रों द्वारा ये खबर आ रही है कि बच्चे ने जो है माँ को पबजी की वजह से ना की, एक बिल्डर और उसके शख्स की वजह से मारा जो लगातार घर में आता था। जिसने ये कांड सुना सबने ऑनलाइन गेमिंग को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन जब सही एंगल निकल कर सामने आया तो जिसने भी इस कांड को सुना सबके होश उड़ गए। सैनिक का बेटा लाइसेंसी गन और मां बनी नाबालिग का निशाना। मां की लाश के साथ 3 दिन गुजारने के बाद 7 जून की शाम करीब 6 बजे उसने आसनसोल में तैनात फौजी पिता नवीन को बताया कि उसकी मां की हत्या हो गई है। लेकिन नवीन ने सीधे पुलिस को सूचना देने की बजाय अपने चचेरे भाई को फोन किया। चचेरा भाई अमेठी में पुलिस सब इंस्पेक्टर है। उन्होंने भी काफी देर बाद पुलिस को ये पूरा मामला बताया, लेकिन नवीन के इस चचेरे भाई से आरोपी बेटे की फोन पर कोई बात नहीं हुई। वहीं घटना की सूचना पर सबसे पहले पहुंचे पुलिसकर्मी ने बताया कि आरोपी बेटा गेट पर ही खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। वो पुलिसकर्मियों को खुद अंदर ले गया। भीतर दाखिल होते ही पहले कमरे में डाइनिंग टेबल था, इस पर नवीन की विदेशी पिस्टल रखी थी। बेटे ने सबसे पहले पिस्टल दिखाई, यानी उसने वही कबूल लिया था कि माँ की हत्या उसने ही की है। लेकिन पुलिस उसे थाने लाने के बाद उस बच्चे ने ये कहानी बताई कि पुलिस को वो गुमराह करने के लिए नाबालिग बच्चा इलेक्ट्रीशियन पर हत्या का आरोप मढ़ रहा है, जिससे पुलिस को शंका हो गई कि ये पूरी तरह से सोची समझी साजिश है। क्योंकि जिस तरह से एक 16 वर्षीय बच्चा अनुभवी पुलिस को गुमराह करता नजर आया, उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। एक घर की नींव ईंट या पत्थर नहीं होते, घर हमेशा प्यार और भरोसे से बनता है। लेकिन अगर इस रिश्ते में कोई एक भी धोखेबाज हो जाए तो वही प्यार करने वाला कब खौफनाक वारदात को अंजाम दे दे, इसका अंदाजा लगाना भी बेहद मुश्किल होता है। कुछ ऐसा ही इस कांड में भी हुआ।
फिलहाल इस मामले की पुलिस द्वारा लगातार तफ्तीश की जा रही है और अभी और कई ऐसे पहलू हैं जिनको निकल के सामने आना बाकी है। एक तरफ पुलिस ने इस हत्याकांड के बाद उस लड़के को गिरफ्त में लिया और बाल सुधार गृह भेजा, तो वहीं अब एक पिता बेटे के भविष्य को लेकर काफी चिंतित भी नजर आया। जहाँ एक तरफ वो अपने साथियों से लगातार कह रहा है कि उसके लिए एक अच्छा वकील करे, तो वहीं उसे इस बात का भी पछतावा है कि आखिर उसके साथ ही और उसके परिवार के साथ ही ऐसा क्यों किया। बेटे ने माँ को गोली मारी तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह भी सामने आई कि उसे कोई पछतावा नहीं है। और दूसरी बात यह आती है कि लखनऊ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर भी सवाल या निशान अब खड़े होने शुरुआत होने लगी है। लखनऊ पुलिस ने हत्याकांड को पबजी हत्याकांड के नाम से बताया, तो वहीं बेटे ने अब धीरे धीरे इस राज से पर्दाफाश होना भी लगभग शुरू होने वाला है। खैर, देखने वाली बात यह है कि इस हत्याकांड के पीछे की मुख्य वजह लखनऊ पुलिस कब तक साबित कर पाती है और हम और आप किस तरह से अपने बच्चों की देखभाल या परवरिश कर पाते हैं। कैमरामैन शुभम के साथ मैं सागर थापा, क्राइम टीवी लखनऊ। पबजी हत्याकांड अब पुलिस प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़ा करने लगा है। अब सबको इंतजार है कि इस हत्या की गुत्थी कब सुलगेगी। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।